तो फ्रेंड्स अभी है शाम का टाइम और हम जा रहे हैं मार्केट, और ही साथ में मुझे घड़ी डालनी थी इसलिए मैंने कुछ भी नहीं पहना है। तबीयत मेरी थोड़ी सी ठीक है और थोड़ी थोड़ी अभी भी वैसी ही है। और ये है पर्पल वाली लिपस्टिक वाला कलर, तो देखिएगा कैसे लग रही है बताइएगा। गले में खराश हो रही है। तो शाम का टाइम है, अभी टाइम हो रहा है 6 बज रही है, 6:05 हो रहे हैं। तो बस हम मार्केट जा रहे हैं, थोड़ा बहुत काम था। बिट्टू मेरी घड़ी कहाँ है? हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल। प्रणाम, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो कि सभी बहुत अच्छे होंगे। इवनिंग का टाइम है और इवनिंग के टाइम से ही आज मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। संडे का दिन का ब्लॉग है ये, इवनिंग का, मॉर्निंग का तो आपको मिल गया होगा। तो हम जा रहे हैं मार्केट, कुछ छोटी मोटी चीज़ें लेके आनी है। संडे को ही टाइम लगता है फ्रेंड्स हमको कुछ भी घर के लिए सामान लाने का, क्योंकि संडे के दिन नेगी जी भी रहते हैं तो थोड़ा उनकी भी राय मिल जाती है। और मुझे शॉपिंग करने का, कुछ भी हो, चाहे घर का ग्रॉसरी का सामान हो, चाहे कपड़े वगैरह हो, कुछ भी हो, मतलब मुझे शॉपिंग करने का मज़ा नेगी जी के साथ ही आता है। क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि दो राय हो जाती है थोड़ा सा, और अपने घर के लिए जितना बेटर मैं चाहूँगी उतना ही वो भी चाहेंगे, तो इसलिए मुझे उनके साथ ही शॉपिंग करने में ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर अपना बजट देख के ऊपर नीचे ऐसा भी हो सकता है ना, तो इसलिए। तो चलिए फिर, आप देखिए, इंजॉय करिए और हम बस निकल रहे हैं। और अभी धूप बहुत तेज़ है तो बने रहिए आप लोग ब्लॉग में हमारे साथ। तो फ्रेंड्स बस यहाँ पे हम चल रहे थे और मैंने नेगी जी को बोला था कि हमारे सामने दो एक दो मार्केट पड़ते हैं छोटे छोटे, तो मैंने कहा पहले उनमें देख लेते हैं, अगर हमें वही चीज़ यहाँ पे मिल गई सही रेट पे तो यहीं पे ले लेंगे, अदरवाइज़ मार्केट जाएंगे। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे गए तो थे, दो तीन जगह हमने देखा भी था और हमको मिला भी था, लेकिन उस तरह से नहीं मिला था जैसे कि मुझे चाहिए था। तो मैंने नेगी जी को बोला कि चलिए आगे ही चलिए, आगे जाके ना थोड़ा ये भी दिख जाता कि आजकल क्या चल रखा है और क्या हमें लेना चाहिए और क्या हमारे बजट में है। लेकिन बजट की तो आप बात ही मत करिए फ्रेंड्स, मार्केट में महंगाई इतनी हो रखी है कि कुछ भी सामान, छोटा सा छोटा घर की डेकोरेशन का सामान हो, चाहे कुछ भी हो, छोटे से छोटे सामान को भी हाथ लगा लो ना तो 1000 रुपये तो आपके कहीं नहीं जाते हैं। तो बस ऐसे ही है, जो चीज़ मुझे लेनी थी वो मुझे लगा था कि 500-600 में आ जाएगा, लेकिन 1200, मतलब 1200-1300 का आया हूँ। फाइनली मिल गया था लेकिन उतनी ज़्यादा पसंद में नहीं मिला था,
यहाँ पे तो नहीं मिला था तो हम मार्केट ही गए थे, फिर आगे से ही हमने लिया था। और फिर ना संडे के दिन एक दिन तो बच्चों को थोड़ा घूमने फिरने का मिलता है अच्छे से, एक ही दिन पापा घर पे रहते हैं, ऋषि तो सोचता है कि बस पापा घर पे हैं तो थोड़ा घूम लेते हैं। तो मार्केट गए थे, तो मार्केट तो हम मतलब ऐसे टाइम पे आए थे कि उस टाइम खाने वाने का टाइम नहीं था मतलब, और रात हमको क्या होता है कि शाम को शाम की पूजा भी करनी होती है, तो छोटा मोटा मतलब बर्गर वगैरह हमने ले लिया था। और बर्गर भी मतलब कहीं भी चले जाओ आप, छोटे से छोटे आप रेस्टोरेंट में चले जाओ ना, या नई कोई फास्ट फूड की दुकान खुली हो, कुछ भी हो उसमें भी चले जाओगे तो कुछ भी खाओगे ना तो 1500 वहाँ पे भी आपके चले जाते हैं। तो इसलिए मैं मार्केट आना ज़्यादा ना अवॉइड करती हूँ, बट जब कुछ काम होता है तो बस संडे को ही आती हूँ। और छोटी मोटी चीज़ें तो मैं ना इग्नोर करती हूँ कि छोड़ो, मतलब जब कोई फेस्टिवल हो या घर में कोई त्योहार हो तभी मैं लेने आती हूँ, और नेगी जी के ही साथ आती हूँ, क्योंकि मैं अकेले में आऊँगी ना तो अकेले में मैं ज़्यादा खर्च करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है। और नेगी जी के साथ आती हूँ ना तो खर्च तो उनके साथ भी होता है, लेकिन ऐसा होता है कि मतलब वैसे होता है थोड़ा सा ना, मेरे जेब से कुछ नहीं जाता तो मुझे ये लगता है कि कुछ नहीं गया, लेकिन जाता तो है ही, चाहे मेरी जेब से जाए चाहे उनकी जेब से जाए। और फ्रेंड्स यहाँ पे जाते टाइम तो ठीक था, लेकिन आते टाइम हमने जब सामान ले लिया था ना तो उसके बाद हम गए थे बर्गर खाने के लिए, एक नया कुछ खुला था वहाँ पे गए थे हम बर्गर खाने के लिए, एक छोटा सा बर्गर था उसके अंदर छोटी सी टिक्की थी, और वो ही कितने का था, 80-90 रुपए का बर्गर था वो, और इन लोगों ने चॉकलेट शेक पता नहीं क्या पिया था उसके साथ। और बस क्या बताऊँ मैं, ये देखिए उसके बाद इतनी ज़्यादा भीड़ लग गई ना कि हम आते टाइम कम से कम हम 1.5 घंटे जाम में फंसे रहे। और फिर हमने एक जगह का रास्ता छोड़ दिया कि दूसरी तरफ से निकलते हैं, वहाँ से शायद जाम कम हो, वहाँ और भी ज़्यादा था। संडे के दिन यहाँ क्या होता है ना कि बाहर की गाड़ियाँ ज़्यादा आई रहती हैं, दिल्ली मेरठ से लोग आए रहते हैं, हरिद्वार घूमने के लिए आते हैं, तो मतलब रास्ते में इतना ट्रैफिक ये रहते हैं कि कुछ पूछो मत। मतलब कोई बंदा अगर सपोज कुछ भी हो जाए ना तो कोई बंदा दवाई मतलब छोटा मोटा बीमारी भी हो जाए दवाई लेने के लिए भी नहीं जा सकता, इतना रश कर देते हैं बाहर के लोग हरिद्वार रुड़की में संडे के दिन, स्पेशली शाम के दिन, सैटरडे और संडे को बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो बहुत परेशान हो गए हम, और घर आए थे हम तकरीबन 9 बजे के करीब आए थे, और काम था हमारा बिल्कुल आधा घंटे का भी काम नहीं था, हमने जल्दी आ जाना था लेकिन भीड़ के चक्कर में। तो फ्रेंड्स अभी तो हम जा ही रहे हैं तो अभी आपको भीड़ उतनी नहीं दिख रही होगी, लेकिन आते टाइम इतनी भीड़ थी कि कुछ पूछो मत। और यहाँ से ना मैंने सोफ़ा बनवाया था, मतलब सोफ़ा तो मैंने दूसरी जगह से बनवाया था, लेकिन यहाँ से मैंने सोफ़े के जो तकिया है उनका कपड़ा चूज़ किया था और सोफ़े का कपड़ा चूज़ किया था, यहाँ बुकलेट दिखाते हैं उसमें चूज़ करना पड़ता है, और ये बहुत अच्छा है पर बहुत महंगा भी है, मतलब कि सब सामान मिल जाएगा आपको यहाँ, पर्दे से लेके सोफ़े के कवर से लेके गद्दियाँ से लेके सब कुछ मिल जाएगा, पिलो कुशन सब मिल जाएगा, लेकिन बहुत महंगा, बहुत ज़्यादा, इतना महंगा कि आम आदमी तो यहाँ जा ही नहीं सकता है। तो मुझे फ़िलहाल जिस चीज़ की ज़रूरत थी मैंने वही ली, और बहुत ज़्यादा नहीं लिया, और बाहर मैं सूट भी नहीं करती हूँ, तो ये ना रेसी ने शूट कर रखा है, वो बैठ रखा था एक सामने, और ये ना लटकन वाली जो प्लो कवर है ना ये बहुत चल रखी है आजकल, लेकिन इनके रेट भी ना सुन के ही मतलब कान ऐसे झड़ रहे थे कि क्या ही मैं बताऊँ, इतना महंगा रहता है ये। और ये देखिए आप बस एक ही चीज़ लेने में हमें इतनी रात हो गई, और ये चलो फिर सामने जो बर्गर आपको क्रीम, दिख रहा है ना यहीं गए थे बर्गर वगैरह खाया चलो इन्होंने, और बस थोड़ी देर हम बैठे रहे यहाँ पे, मतलब बर्गर वर्गर कुछ भी आप रेडी करवाओ तो कम से 30 मिनट या 1 घंटा तो लग ही जाता है, क्योंकि वो लोग भी गरम गरम ही बनाते हैं। और ये नया ही खुला है शायद यहाँ पे, पता नहीं पुराना भी होगा लेकिन हम तो पहली बार ही आए हैं तो हमारे लिए नया ही है ये। और ये सब ना वीडियो जो है रेसी बनाता है, मैं नहीं बनाती बाहर, क्योंकि मुझे बाहर वीडियो बनाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। फिर हम यहाँ पे थोड़ी देर बैठे और उसके बाद हम आगे घर, और फिर आप देख सकते हैं कि कितने उजाले में हम जा रखे थे और कितना अंधेरा हो गया है, और भीड़ तो आपको मैंने दिखाई नहीं, थोड़ी बहुत दिखाऊंगी
अदरवाइज भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि अपने से आगे की गाड़ी दिख रही थी बस, बाकी और कोई नहीं दिख रहा था, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। बारिशों की गीली बूंदें मन को भिगोती जाए, हाय रे मन को भिगोती जाए। तो ये वाले सोफा के कुशन कुशन लाए हम बड़े वाले, ये देखिए, ये देखो मस्त डिजाइन है, स्टील की रॉड टाइप लगी है। ये देखो एक व्हाइट में लाई और एक में ये सोफे की तरह लाई है, व्हाइट में और ये है ब्लू में। कितने बाई कितने का था ये पापा ने बोला? 20 का है। नहीं 20x20 का तो दूसरा था, 24x24 है, पता नहीं 22x22 का पता नहीं कितने का होगा। ये नया जियो फाइबर लग गया हमारा, ये देखिए पुराना है, और ये देखो देखिए नया आ चुका है सेटअप बॉक्स, और ये रहा नया रिमोट, सेम ही है खैर। गाइस हम आ गए हैं मार्केट से, नया रिमोट मार्केट से आ चुके हैं हम, और ये वाले कुशन लेके आए हैं, देखिए इतने बड़े हैं, मस्त लग रहे हैं और अच्छे भी हैं। क्या बोलते हैं 16x16 के तो पड़े थे तो मैंने कहा एक बड़े लिए, एक ब्लू कलर लाया और एक क्रीमी टाइप कलर लाया, व्हाइट व्हाइट है, क्रीमी है, हाँ पता नहीं कैसा है, तो सेम कलर नहीं मिला लेकिन फिर भी ये भी ठीक है। तो चलिए अब चेंज कर लेती हूँ मैं, फिर मिलती हूँ आपसे। फ्रेंड्स आज का ये ब्लॉग ना मैं यहीं पे एंड करती हूँ, कल फिर मिलती हूँ आपको एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।